स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। तो अपने इस विशेष में हम बात करेंगे दुबे जी की। वही दुबे जी जो हमेशा विवादों में रहते हैं, एक बार फिर विवादों में फंसते नजर आ रहे हैं दुबे जी, क्योंकि उनकी डिग्री फर्जी है। ये हम नहीं कह रहे, एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने जवाब मांगा था, और जवाब क्या आया है इस रिपोर्ट के माध्यम से आपको हम समझाते हैं। हमेशा विवादों में रहने वाले गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे पर डिग्री का गलत आरोप लगा है, डिग्री फर्जी होने का आरोप लगा है। सांसद महादो ने अपनी चुनावी हलफनामे में दिल्ली यूनिवर्सिटी से खुद को 1993 में एमबीए बताया था, लेकिन जब आरटीआई के तहत दिल्ली विश्वविद्यालय से जानकारी मांगी गई तो यूनिवर्सिटी का जवाब आया 1993 में इस नाम के किसी शख्स ने ना तो एडमिशन लिया ना ही पास आउट हुआ। झारखंड के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे, विवादों से दुबे जी का रिश्ता है पुराना। फर्जी तरीके से जमीन खरीदने का आरोप, अब निशिकांत दुबे की डिग्री पर सवाल। जी हां, यहां तो सब गोलमाल है। गोलमाल नेता है, गोलमाल तरीका है, और अब डिग्री में भी गोलमाल है। बीजेपी के फायर ब्रिगेड नेता निशिकांत दुबे पिछले कई दिनों से चर्चा में है। वैसे वो चर्चा में पहले भी रहते थे, लेकिन पहले अपने अनाप शनाप बयान की वजह से, और अब फर्जी तरीके से जमीन खरीदने के आरोप में गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे और उनकी पत्नी अनामिका गौतम के खिलाफ औने पौने दाम में बेनामी जमीन अपने नाम कराने और सरकारी दस्तावेजों में छेड़छाड़ कर जालसाजी करने और नियमों के उल्लंघन का मामला चल रहा है। इस बीच आरटीआई के तहत उनकी शिक्षा से जुड़े सवाल में बड़ा खुलासा हुआ है। बिहार के भागलपुर के रहने वाले निशिकांत दुबे ने 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान अपने शपथ पत्र में शैक्षणिक योग्यता दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमबीए लिखा था। 2014 के चुनाव में भी वो डीयू से एमबीए थे, लेकिन 2019 के शपथ पत्र में उन्होंने अपनी डिग्री पीएचडी बताई है। जब दिल्ली विश्वविद्यालय से आरटीआई के तहत सवाल पूछे गए तो जवाब आया कि 1993 में यूनिवर्सिटी में निशिकांत दुबे नाम के किसी छात्र ने नामांकन ही नहीं लिया, ना ही उस दौरान कोई पास आउट हुआ था। देखिए, मामला ये है कि सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे जी, उन्होंने जिस प्रकार से चुनाव में हलफनामा के रूप में जो अपना शैक्षणिक योग्यता दायर किया है, वो पूरी तरह से फर्जी है। एक आरटीआई के माध्यम से सारी जानकारी हमारे पास आई है, तो आज हम देवघर नगर थाना में एक आवेदन दिए हैं, जिसके माध्यम से थाना प्रभारी साहब ने निवेदन किया है कि इस पर FIR दर्ज होना चाहिए। तो FIR दर्ज करने के लिए आवेदन दे चुके हैं और FIR दर्ज भी हो चुकी है। तो फिर क्या चुनाव के दौरान सांसद महोदय ने फर्जी प्रमाण पत्र का सहारा लिया, और क्या फर्जी डिग्री के आधार पर चुनाव जीतकर वो लोकतंत्र के मंदिर पहुंचे? आरटीआई कार्यकर्ता विष्णुकांत झा ने इन दस्तावेजों के आधार पर देवघर जिला प्रशासन से निशिकांत दुबे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। देवघर से न्यूज 11 भारत के लिए मनीष राज की रिपोर्ट। तो डॉक्टर निशिकांत दुबे, मतलब कि निशिकांत दुबे की डिग्री फर्जी, इसलिए डॉक्टर का इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं। तो क्या ये पहला मामला देश में आया है? नहीं, इससे पहले भी एक ऐसा मामला आया है, और उस मामले में क्या कुछ कार्रवाई हुई थी, आपको इस प्लेट के जरिए हम दिखाते हैं। फर्जी डिग्री में विधायक की जा चुकी है सदस्यता। दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले दिनों फर्जी डिग्री के कारण जितेंद्र तोमर के 2015 के विधानसभा निर्वाचन को रद्द कर दिया था। दिल्ली सरकार में कानून मंत्री रह चुके जितेंद्र सिंह तोमर को ना चाहते हुए भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। 2017 में बिहार में TM भागलपुर विश्वविद्यालय ने उन्हें दी गई कानून की डिग्री को रद्द कर दिया। जांच में पाया गया कि तोमर ने विश्वविद्यालय के कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत से धोखाधड़ी की थी। साथ ही दिल्ली पुलिस की जांच में पाया गया था कि तोमर के कानून और BSc की डिग्री फर्जी थी।
जांच में ये बात भी सामने आई थी कि तोमर ने डिग्री पाने के लिए कोई परीक्षा नहीं दी थी।